इतने भी ये भौंकने वाले कुत्ते हैं ना, क्योंकि इनका काम सिर्फ भौंकना होता है, ये कुछ कर नहीं पाए। बेवकूफी का या चूतियापा का सबसे बड़ा लेवल है, एक बहुत बढ़िया तरीके का नशा ये लोग करते हैं। ये कर रहे थे ना 7-6 महीने से, ये लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, क्या उखाड़ रहे थे ये चमन चूतिए हैं। उन तमाम लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, कृपया काम पे फोकस करें। और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा ताकतवर आईटी सेल मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो तुम लोग अभी चिल्लर हो बेटा, तो अपने औकात में रहो और जहाँ खेल सकते हो, जहाँ खेलना है वहाँ जाके खेलो, विनय दुबे से मत उलझो। और विनय दुबे का नाम लेके वीडियो ना बनाए तो कुत्ता ना पूछे उनको। इसके अंदर 22 मुकदमे दर्ज हैं, उसकी तारीखों पे जाता हूँ। कहीं भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज है, कहीं पे दंगा फैलाने का केस है, बांद्रा अभी आपके सामने रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मैं तेल लगा लगा के लेता हूँ, और वो कोई मौका नहीं छोड़ता कि विनय दुबे को जहाँ पिला के वहाँ लात मारना है। इस समय तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत हो रही है वो बीजेपी खुद कर रही है कि विनय जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। तो उनको, तमाम लोगों को, हर बार वो आते हैं, मैं उनके मूत्रदान कर देता हूँ अपनी तरफ से। मुझे कहीं जाना है तो मेरी मर्जी है, मैं किसी बाप का नौकर नहीं हूँ, ना किसी के लिए काम करता हूँ, ना किसी का मैं दलाल हूँ, ना किसी के मुझे ज़रूरत है ये सब सारी चीज़ें करने के लिए। बोले ना ब्राह्मण समाज, यही ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का गालियाँ देता था विनय दुबे को कि साले तू ब्राह्मण नहीं है, मुस्लिम की औलाद है, मुस्लिम का बीज है। इस तरह के मामले लीगल तरीके से होते हैं कोर्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देरी हो रही थी उसको रोकने के लिए या उसको जो समय है उसको कम करने के लिए मेरा प्रयास हमेशा शता। मैं भले कोर्ट के केस के अंदर को, मतलब जहां पे सुनवाई होती वहां नहीं बैठ सकता था, क्योंकि उनका परिवार सहयोग नहीं करता था, और जब तक इस केस में एप्लीकेंट की साइन न लगे कोई भी बाहरी व्यक्ति उस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये पहले से ही इनके परिवार की तरफ से ये नेगेटिविटी थी कि विनय दुबे को इस केस में नहीं लेना है, ऑफिशियल तौर पे लीगल ऑन पेपर नहीं लेना है, ये आप बाहर से क्या कर सकते हैं करिए। तो जो मैं बाहर से कर सकता था वो मैंने किया। पिछले बार जब वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद वहाँ पे उनको इलाहाबाद भेज दिया गया था, ये कहते हुए कि आपको इलाहाबाद में यहाँ जल्दी न्याय मिल जाएगा, हमारे यहाँ वर्कलोड है, हम इस पर ज़्यादा समय लेंगे लेकिन इलाहाबाद कोर्ट जल्दी लेगा। बट ये करते करते 6 महीने बीत गए। तो मैंने जब इनके भाई को कहा था ये कि आप एक काम करिए, एक टाइम बॉन्ड एप्लीकेशन लगाइए सुप्रीम कोर्ट में कि सर आपके कहने अनुसार हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए बट वहाँ पे भी सुनवाई में काफ़ी देरी हो रही है, तो कृपया एक टाइम बॉन्ड आप एप्लीकेशन दीजिए। 2 सुनवाई सजेशन मैंने दिया था 9 जुलाई को, उसके बाद 2 सुनवाइयाँ हुई लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं आ पाया। आखिर में डॉक्टर कफील का जो परिवार है 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जाता है, एक एप्लीकेशन लगाता है कि इस मामले पे जल्दी निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेशित करें, और उसमें फिर 5 तारीख को वो एप्लीकेशन मंजूर होती है, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करती है, और 15 दिन का आदेश देती है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसको निपटारा करना है। तो कहीं ना कहीं एक जो एक कोशिश थी मेरी वो कहीं ना कहीं इस मामले में सफल हुई है। और रही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो वहाँ पे भी भले मैं कोर्ट के अंदर या परिसर में ना रहता हूँ लेकिन बाहरी तौर पे जो मैं कर सकता था, जिसमें मैं एक तरह से आप लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले ने एक क्या बोलते हैं एक आशीर्वाद दिया हुआ है, तो उसका मैं इस्तेमाल करता था। और कहीं ना कहीं कोर्ट के बाहर रह के जो चीज़ें 3-4 महीना लेनी है उसको 1-15 दिन में निपटाया है। लोगों का लगातार ये आरोप है, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि लोगों का आशीर्वाद है, दुआ है, लेकिन वही लोग सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चला रहे हैं कि आप जो है आपकी जजों के साथ उठक बैठक चल रही है, उनके साथ खाना पीना चल रहा है, उसके बाद आपने बैकडोर तरीके से या अन्य तरीके से जो भी उनका तरीका हो उस लिहाजे से आपने छुड़ाया है। देखिए, जजों से दोस्ती रखना गुनाह है क्या? उनके साथ डिनर करना गलत है क्या? वो भी एक इंसान है, भले वो कुर्सी पे होते हैं तो जज होते हैं लेकिन बाहरी तौर पे वो भी एक इंसान है। मेरे अच्छे मित्र हैं लगभग देश में ऐसा हर मुख्य जो कनेक्टिविटी है वो मेरी है, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है, सुझाव लेने पड़ते हैं। कानूनी जो विशेषज्ञ हैं वो जज हैं, तो एक अच्छा सुझाव वो लीगल देते हैं कि विनय ये करो तो तुम सेफ हो, इससे ये निपटारा हो जाएगा, ये शॉर्टकट है, इससे आप जाइए। तो कहीं ना कहीं एक मित्रता है मेरी। इलाहाबाद में जब जाता था तो जस्टिस साहब के घर पर रुकता था, और आपको शायद आइडिया होगा उस चीज़ का, तो एक हमारे व्यक्तिगत संबंध है। एक राजनीतिक और सोशली एक अलग चीज होती है और एक व्यक्तिगत अलग होती है, तो मैं रुकता था, डिनर करते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पिछले 1 महीने में 20 दिन जो है आप दिल्ली और इलाहाबाद के बीच में स्थित हैं, रहे हैं, कभी दिल्ली तो कभी इलाहाबाद। क्या इस 20 दिन में ही षड्यंत्र ऐसा रचा गया ताकि डॉक्टर कफील खान को बाहर लाया जाए
और फिर एक कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल जो है राजनीति के अलग देखा जा रहा है, योगी सरकार को खतरा है इससे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी सरकार गिरने वाली है डॉक्टर कफील को बाहर निकलते, सोशल मीडिया पे है। देखिए, सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी उसके तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं कोई पंडित या ये नहीं हूँ कि मैं इसकी भविष्यवाणी कर दूँ। रही बात, मैंने जो उद्देश्य उठाया था, मैंने जो संकल्प लिया था डॉक्टर कफील खान को आज़ाद कराने के लिए, तो पिछले एक महीने से जब मुझे लगा कि इनका परिवार कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो मुझे लगा कि मेरे को कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब परिवार साथ में नहीं, लेकिन लोग मुझसे अपेक्षा लगाए हुए थे कि विनय जी ने केस लिया, इलाहाबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो रिजल्ट कहाँ है? तो कहीं ना कहीं मेरी एक जो सम्मान था वो दाव पे लगी हुई थी, तो उसे बचाने के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, मुझे मेरे जो भी सोर्सेस थे, मेरी जो भी लीगल टीम थी, जो भी मेरे मैं कर सकता था इस केस में, वो मैंने सारे संबंधों का, सारे एक तरह से जो भी मेरे रिलेशंस हैं, जो मेरी ताकत है, मैंने इस्तेमाल की इस केस में, और रिजल्ट आप लोगों के सामने। कहीं आप मुस्लिम वोट बैंक को तो नहीं हथियाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संजीव भट्ट भी जेल में हैं और तमाम वो जामिया के जो स्टूडेंट हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो भी जेल में, उसके लिए भी तो आवाज उठाइए। देखिए, मैंने जब सफूरा जरगर बहन अंदर थी तभी मैं उनके साथ में लगा हुआ था। बहुत सारे लोग कहते थे विनय जी इस पे कब आएगा रिजल्ट, मैंने उनको सांत्वना देता था, आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे, सफूरा जरगर के लिए था, मैंने उनको कहा था कि 5 से 7 दिन के अंदर अंदर वो आ जाएंगी, और लास्ट में वही हुआ, उनको फिर रिलीज कराया गया, चाहे जैसे भी हुआ हो, वो मैं ऑन कैमरा आपको नहीं ज़्यादा डिटेल कर सकता। देखिए, उसमें मेरा ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन डॉक्टर कफील खान का जो केस था ये मेरा व्यक्तिगत सम्मान की बात थी, और जहाँ मेरा सम्मान है तो मैं नहीं देखता कि डॉक्टर कफील का परिवार साथ दे रहा है नहीं दे रहा है। मुझे जो लगता था, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से चीज़ें नहीं ओपन कर सकता, कहीं ना कहीं व्यक्ति का संबंध होते हैं, पॉलिटिकली हो चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो चाहे जुडिशरी हो, तो मैंने लोग जो लगातार कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर आप हावी होते जा रहे हैं, उनको एक तरफ लाने की कोशिश, कौन सा मैं जाके सर गोरखपुर में मुझे चुनाव लड़ना है? गोरखपुर मेरा घर नहीं है, मैं रहता मुंबई हूँ, एक पैतृक गांव है, थोड़ी सी खेती है, वहाँ पे हमेशा मतलब साल में एक बार आना है, खेती देखना है, कौन सा मैं अपना वोट बैंक बना लूँगा? और डॉक्टर कफील खान का मुंबई क्या लेना देना है? और ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे मैं जाके उम्मीदवारी ले सकता हूँ या वहाँ पे मुझे चुनाव लड़ना है? अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा में मेहनत करता, मैं मुंबई छोड़ के इलाहाबाद, बनारस, बनारस इलाहाबाद, दिल्ली क्यों कर रहा होता? तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक था कि एक बेगुनाह इंसान जेल में है, इसको इसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक मदद करने की एक दिल में इच्छा थी, तो जो कर सकता था मैंने किया। सोशल मीडिया पे क्राउड फंडिंग की जो लगातार चीज़ें चल रही हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें तमाम पार्टियों के लोग हैं, वो पूछ रहे हैं कि वो पैसा कहाँ गया, कहाँ चला गया, किस जगह पर वो खर्च हुई है, क्या इसका जवाब है आपके पास? वो कौन होते हैं मुझसे हिसाब मांगने वाले? डॉक्टर कफील का परिवार जिस दिन मुझसे हिसाब मांगेगा मैं दे दूंगा। और वैसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुत जल्द आखिर 2-4-10 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर कफील खान मेरे साथ बगल की वाली कुर्सी पे होंगे, उनकी पत्नी होंगी, उनके भाई होंगे, वो खुद आपको बताएंगे मैंने क्या किया है, क्या हिसाब है, कितने पैसे आए हैं, क्या हुआ है। इतने दिन सब्र कर सकते हैं, 10 दिन और कर लीजिए। रही बात आपके जितने भी ये भौंकने वाले कुत्ते हैं ना, क्योंकि इनका काम सिर्फ भौंकना होता है, ये कुछ कर नहीं पाए। डॉक्टर कफील खान 7 महीने से जेल में थे, मैं पिछले 1 महीने में केस में आया हूँ, इससे पहले उन्होंने क्या उखाड़ लिया? इतने दमदार होते हैं जिससे जिस तरह से ये पूछते हैं लोगों को कि आप ये बताओ वो बताओ, उन्होंने क्या कर लिया आज तक? नहीं कर पाए ना। मैं आया, मैंने प्रूफ किया अपने आप को, और अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर डॉक्टर कफील खान आपसे खुद बात करेंगे, आपके वो वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगी, आप खुद उसके गवाह होंगे, दुनिया को पता चलेगा मैंने क्या किया है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप एक प्लांटेड हैं, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण जो है, हालांकि इस बात का जो है खुलासा नहीं हो पाया है, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग, तमाम जो फेसबुक पर यूजर्स हैं, वो लगातार लिख रहे हैं कि एक प्लांटेड चीज है ये, विनय दुबे का अचानक एंट्री लेना, फिर डॉक्टर कफील का बाहर निकलना, एक सांत्वना हासिल करना, और फिर बड़े नेता बनने की तैयारी में है, इसको आप कहाँ तक ये यकीन मानते हैं? ये जो है ना एक बेवकूफ़ी का या चूतियापा का सबसे बड़ा लेवल है, एक बहुत बढ़िया तरीके का नशा ये लोग करते हैं। मैं आज से नहीं हूँ इस फील्ड में, मैं करीबन 3 साल से मुंबई के अंदर अपना दायरा सीमित करके काम करता था। जब देश के अंदर मुसलमानों पे आपत्ति आई, जब उनके ऊपर दिक्कतें चालू हुई CA NRC NPR के माध्यम से, तो मुझे लगा उन मेरे भाइयों के साथ में खड़े रहना चाहिए, मैं घर बैठ सकता था ना। आज जो मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं अचानक से आ गया हूँ, तो मैं पूरे देश के मैंने शाहीन बागों में जाके सभाएं की हैं, पूरे देश में अपने मुसलमान भाइयों के साथ जाके उनको हिम्मत दी है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तब ये लोग कहाँ थे?
तब ये क्यों नहीं कहते थे कि देखो विनय दुबे को प्लांट किया गया है, वो एनआरसी में सीए में नहीं लेना चाहिए विनय दुबे को। और मेरे जैसे 50 सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटी में मुसलमान भाइयों के साथ खड़े रहे, उन्होंने तो नहीं देखा कि मुस्लिम है कि हिंदू है। हम तो केवल ये देखते थे कि सेकुलर देश है, भारत है, हिंदू अपना है, मुसलमान अपना है, तो कहीं ना कहीं हमें सबको मिलकर एक साथ रहना है। उस समय इनको आपत्ति नहीं थी उस समय। अब जब यहाँ पे रिजल्ट आने का ना हुआ, क्योंकि ये कर रहे थे ना 7-6 महीने से, ये लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, क्या उखाड़ रहे थे ये। आज उनको तकलीफ यही हो रही है कि एक लड़का आता है, 1 महीने के अंदर अंदर ये केस को एक नया आयाम पे लेके जाता है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर देता है, लोग इसकी बातें करने लगते हैं, लोगों के अंदर एक ताकत मिलती है इस लड़के को कि हाँ चलो सब विनय दुबे के साथ में खड़े हैं, और वो रिजल्ट दे जाता है। यही चीज उनको एक घबराहट है। मैं उन तमाम मेरे घबराने वाले मेरे साथियों को, तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ी करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा जलने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम खुश रहो मेरे भाई, जहाँ भी रहो, ऊपर वाला आपको सलामत रखे, आगे बढ़ाए। जितनी ताकत आप लोग विनय दुबे को टारगेट करके उसको नीचा दिखाने में लगाते हो ना, अगर उतना ही समय आप अपने फील्ड में अपने काम को दो, तो शायद आप विनय दुबे से बड़े हो जाओगे। तो उन तमाम लोगों को, उन पार्टी के नेताओं को और जो भी वो चमन चूतियाँ हैं, उन तमाम लोगों को मैं निवेदन करता हूँ, कृपया काम पे फोकस करें। मैं हूं यहां पे और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा ताकतवर आईटी सेल मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो तुम लोग अभी चिल्लर हो बेटा। तो अपने औकात में रहो, और जहां खेल सकते हो, जहां खेलना है वहां जाके खेलो, विनय दुबे से मत उलझो। उत्तर प्रदेश को आपने क्यों चुना? गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंद हैं, नजरबंद हैं, जेल में है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पैर रखता है वो नेता बन जाता है, ऐसी लोगों की विचारधारा है, और ऐसा होता भी है। आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में आप अपना पैर जमा रहे हैं, और भी तमाम राज्य हैं, वहाँ भी आप कुछ कर सकते हैं। मैं कर्नाटका गया था, वहाँ पे आपने, आपको भी आपने देखा होगा मेरी वीडियोस हैं। मैं राजस्थान गया, वो भी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो ऐसा किसने कहा कि मैं बिहार गया था, अभी वापस जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग एक माहौल एक ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर है कि कहीं ना कहीं विनय दुबे हमारे कौम का रहनुमा हो जाएगा। भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी कौम का रहनुमा बनने के लिए। 110 करोड़ की आबादी हमारे हिंदू समाज की है, खास तौर पे ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार होता है पूरे उत्तर प्रदेश में अंदर, उनको ढूंढ ढूंढ के हत्या की जा रही है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं। मैं चाहता ना मेरे कौम का मतलब ब्राह्मण समाज का, मैं रहनुमा बनने को मुझे 5 मिनट लगेगा। मेरे को क्या ज़रूरत है किसी समाज का रहनुमा बनने का? मेरा दिल कहता है कि किसी के साथ गलत हो तो उसके साथ खड़े रहो, मेरा बस इतना सा ही काम है, और वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये मैंने कभी नहीं देखा है। तो एक माहौल ख़राब करने की है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, वो अपने काम को एक परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहे हैं। तो जो नहीं कर पा रहा है, और जो कर रहा है उसकी टांगे खींचेंगे वो, इसके अलावा अपनी नाकामी कहाँ छुपाएंगे वो। वो विनय दुबे का नाम लेके वीडियो ना बनाए तो कुत्ता ना पूछे उनको। कभी अपने कामों को लेके आप आइए ना, फील्ड पे आइए, सोशल मीडिया पे आइए, हम खुद प्रमोट करेंगे मेरे भाई। आप कब तक मेरे पैरों खींच खींच के मेरे पैरों में पड़े रहोगे? कुछ तो करो अपने ज़िंदगी में। कब तक एक दूसरे का पैर खींचते रहोगे और इसी तरह लोगों के चरणों में पड़े रहोगे? आज मेरे चरणों में पड़े हो, कल हरीश बनारस वाले मिश्रा जी के चरणों में पड़े रहोगे, परसों काजल निषाद के चरणों में पड़े रहोगे, क्या है? जितनी मेहनत आप हमारे चरणों में पड़े, उतनी आपने खुद के लिए अगर वजूद बनाया होता ना, तो आज विनय दुबे से बहुत ऊपर होते आप लोग। एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए आप। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, या मोदी जी, शाह जी, जो भी बड़े नेता हैं, आप उनको दिन रात जो है दूसरे स्वर में उनका विरोध करते हैं, गाली गलौज कह सकते हैं उस तरीके से, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी ऐसा लोग सोच रहे हैं, या ऐसा लोग जो सोशल मीडिया पे कई बार लिखे भी होंगे, आपने पढ़ा होगा, फिर भी आप बिल्कुल फ्री घूमते हैं, फ्री कहीं जाना होता आना होता है, कोई मुकदमा नहीं, कोई आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नज़र नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? किसने कहा मेरे पे नज़र नहीं है, मेरे पे मुकदमे नहीं है? आज के डेट में पूरे देश के अंदर 22 मुकदमे दर्ज हैं, उसकी तारीखों पे जाता हूँ। कहीं भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज है, कहीं पे दंगा फैलाने का केस है, बांद्रा भी आपके सामने रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दिखाता नहीं हूँ, इसका मतलब मेरे पे केसेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुझे करती नहीं है। तो हमारा जो है ना 36 का आंकड़ा है, 36 भाई, भारतीय जनता पार्टी को मैं तेल लगा के लेता हूँ, और वो कोई मौका नहीं छोड़ता कि विनय दुबे को जहाँ पिला के वहाँ लात मारना है। तो ये एक तरह से मैं शो नहीं करता चीज़ों को। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे कोर्ट वगैरह के जो साइट्स है, उस पर जाके विनय दुबे डालिए, आपको मेरी पूरी केस हिस्ट्री आपको उसमें पता चल जाएगी, कहाँ कहाँ किस किस राज्यों में मेरे ऊपर केस दर्ज है। और मेरा टारगेट है इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन जरूर शतक मैं बना दूंगा FIRO के नाम पे। पूरे देश के अंदर सैकड़ा मुझे बनाना है, मेरे ऊपर पूरे देश में 100 गुना दाखिल हो, 100 FIRs हो, इसकी मेरी तैयारी है।
तमाम पार्टियां ये भी कह रही हैं कि आपको बिहार आने के लिए जो है न्योता दे हैं कि आप बिहार आइए, वो कौन सी पार्टियां हैं मैं जानना चाहता हूं, और दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं कि आपको बिहार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ। इस समय तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत हो रही है वो बीजेपी खुद कर रही है कि विनय जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, तो उनको तमाम लोगों को हर बार वो आते हैं, मैं उनके मूत्रदान कर देता हूँ अपनी तरफ से, तो आते हैं हाथ में लेके मेरा चले जाते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। मुझे कहीं जाना है तो मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी बाप का नौकर नहीं हूँ, ना किसी के लिए काम करता हूँ, ना किसी का मैं दलाल हूँ, ना किसी के मुझे ज़रूरत है ये सब सारी चीज़ें करने के लिए। जिसको झंडा पकड़ के जिंदाबाद करना है वो दौरा लगाएगा। मेरा काम सामाजिक कार्यकर्ता का है, जो सरकार से सवाल पूछता है, गलत नीतियों का विरोध करता है। मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, अपने फील्ड में हूँ, मुझे राजनीतिक तौर पे नहीं जाना है। बिहार में आप मुझे प्रचार करते हुए नहीं देखेंगे, किसी के लिए बात करते नहीं देखेंगे। बिहार अगर मैं जाऊँगा तो किसी न किसी व्यक्तिगत तौर पर जाऊँगा, किसी को मिलने जाऊँगा। अगर कोई जैसे जेल में बंद है या उसके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ तो उस स्पेसिफिक उस मसले के लिए मैं जाऊँगा, ना कि किसी का प्रचार करने के लिए जाऊँगा। आपने एक लास्ट सवाल का जवाब दे दी सर, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की जो हत्या हो रही है, जबकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आज की संख्या में मोदी भक्त हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, और तमाम देश की जो 40% या 60% जो आबादी है एक तरफ मोदी के सपोर्ट में है, फिर भी आप मोदी शाह को उनकी नीतियों के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं, क्या मोदी शाह से इतनी आपको नफरत है कि? देखिए मैं बहुत, मेरे प्रेरणा है वो, कहीं ना कहीं मुझे जो बोलते हैं ना आँखों में आँखें डाल के जो कॉन्फिडेंसली वो एक एक तरह से जो माहौल वो तैयार करते हैं वो मैंने सीखा है उनसे। किसी भी परिस्थिति में आपको हारना नहीं। वो बंदा सबके सामने टीवी पे आके झूठ बोल के चला जाता है, सोचिए कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है उस बंदे का। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस मैंने लिया है, मैं कहीं भी किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं, आँखों में आँखें डाल के बात करता हूँ। तो एक पॉजिटिव चीज़ मैंने उससे मतलब मोदी जी से मैंने ली है। अमित शाह जी से कुछ चीज़ें सीखी हैं कि भाई चाहे कंडीशन कैसी हो जीतना है, चाहे जो हो जाए, भले हमारे पास विधायक नहीं लेकिन सरकार बनानी है। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चीज़ें उनसे मैंने ली हैं, एक तरह से मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, जो मेरा है वो मतलब एक 36 का आंकड़ा चलता है, वो पूरब है, मैं पश्चिम हूँ, और जब तक मुझे मौका मिलता रहेगा मैं लात धीरे से सटकाते रहूँगा। मन की बात में 3 लाख से ज़्यादा जो है डिसलाइक मिले हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देश का वो एक तरह से आप समझिए, जब लाइक्स आती थी तभी भी मैं कहता था भाई देश जिसकी जनता मोदी जी के साथ है तभी 300-300 प्लस सीटें दे रहे हैं। अब जब डिसलाइक आ रही है तो आप समझ सकते हैं देश की जनता अब मारना चालू कर रही है पिछवाड़े पे। हम लोगों जो मेहनत करते थे, बार बार लोगों को समझाते थे कि भैया भूखे मर जाओगे, आपको रोजी रोटी छीन जाएगी, आज वो लोग महसूस कर रहे हैं। आज जाके मैं सुकून से एसी में सो सकता हूँ। देश की ये जो बर्बादी है ना वो देखने के बाद मुझे थोड़ा सा लगता है कि हम लोग जो चिल्लाते थे यही लोग हमें गालियां देते थे। आप जो बोले ना ब्राह्मण समाज, यही ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का गालियां देता था विनय दुबे को कि साले तू ब्राह्मण नहीं है, मुस्लिम की औलाद है, मुस्लिम का बीज है। आज जब मर रहे हैं, खून बह रहा है, जब उनके घर के बेटे को गोलियां दागी जा रही हैं, तो मैं आराम से घर पर बैठ के देखता हूँ, क्योंकि मैं चिल्लाता था कि भाई तुम्हारे साथ ये होगा, अभी भी समय है, आँखें खोलो। उस समय अंड भक्ति में रहते थे, तो आज मुझे आज वो उस तरफ है, आज मैं इस तरफ हूँ। मैं आज सुकून से अपने एसी रूम में चालू करके ठंडा से सोता हूँ, वो बेचारे रो रहे हैं, क्योंकि हम समझाते थे तब वो मुझ पे हंसते थे, आज वो रो रहे हैं, आज मैं मुस्कुरा रहा हूँ बैठ के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।